तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि टेबल टैग में रो स्पैन और कॉल स्पैन को कैसे यूज करना है, कैसे हमें सिंपली रोज को मर्ज करना है, कॉलम्स को मर्ज करना है और अपने टेबल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करना है। यहाँ पे हम नाम देते हैं टेबल टैग टू डॉट एस टी एम एल। यहां पर हम लिखते हैं टेबल विथ रो स्पैन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं यूज कर रही हूं टेबल टैग। टेबल टेबल के अंदर मुझे चाहिए बॉर्डर। बॉर्डर नंबर्ड वैल्यू लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में। मैं यहां पर लिखती हूं टू। अब मुझे डेटा को ऐड करना है, तो मैं यहां पर लिखती हूं टी आर। टी आर के अंदर मैं लेती हूं टी डी। टी डी के अंदर आई विल टेक कलर्स स्लैश टी डी। यहां पर मैं लिखती हूं रेड एंड स्लैश टी डी। यहां पर मैं टी आर को क्लोज करती हूं, इसे सेव कर लेते हैं। अब एक और टी आर लेते हैं यहां पर, एटलीस्ट हम दो रो लेते हैं ताकि हम डेटा को मर्ज करें। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। सॉरी, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब इसे रन करते हैं। टेबल टैग। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स रेड ग्रीन। यहाँ पर तो कुछ रोज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मर्ज हुआ है, राइट? अब हम इसे मर्ज कर, अब मैं आपको मर्ज करना सिखाती हूँ। सिंपली मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में, हमको टीएच या टीडी में रो स्पैन यूज करना है। अब मैं यहां पर लिख रही हूं टीडी रो स्पैन इक्वल्स टू टू। दो रो है मेरे पास, इसलिए मैं दो रो ले रही हूं। अगर इन केस इस कंडीशन में आपके पास तीन चार या जो भी जितने भी रोज आपके टेबल में है और जितने रोज को आपको मर्ज करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर रो स्पैन में नंबर्स डालिए। मैंने यहाँ पर लिखा है टू और अब मैं इसे सेव कर रही हूँ। अब मैं चलती हूँ ब्राउजर विंडो की तरफ। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो सिंपली जो दो रो थे वो दोनों भी मर्ज हो गए हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया है रो स्पैन का। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कलर भी सेट कर सकती हूँ। बीजी कलर इक्वल्स टू मैं देती हूँ रेड कलर ही ले लेते हैं। अब हमने रेड दिया है तो, और यहां पर मैं लेती हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू। चलिए इसे सेव करके रन करके देखते हैं। देखिए अब अगर मुझे मेरे टेबल का हाइट और विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टी है विड्थ। विड्थ मैं लेती हूँ 400 और हाइट में ले रही हूं यहां पर 150। इसे सेव करती हूं। F5। टेबल का जो साइज है वो बढ़ गया है। मुझे टेबल को अलाइन करना है तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। कंट्रोल एस, यहाँ पर मैं F5 दे रही हूँ। ये मेरा बीच में टेबल जो है वो आ गया है, इसका अलाइनमेंट प्रॉपर्ली हो गया है। तो गाइज ये था रो स्पैन। तो चलिए अब मैं आपको कॉल स्पैन सिखाती हूँ।
कॉल स्पैन, कॉल स्पैन के लिए आपको सिंपली, अब रो स्पैन को यूज करके मैंने दो रो को मर्ज किया, अब मैं कॉल स्पैन को यूज करके सिंपली कॉलम्स को मर्ज करती हूँ। तो इसी सेम टाइप कोड में हम चेंजेस करते हैं, और एल्स मैं एक काम करती हूँ, मैं कंट्रोल सी ले कर लेती हूँ, ये था रो स्पैन। चलिए अब हम कॉल स्पैन देखते हैं। कॉल स्पैन के लिए आपको न्यू फाइल में लेती हूँ, यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं, टेबल टैग 3.html, यहाँ पर html मैंने बेसिक कोड लिख दिया है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉल स्पैन यूज, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टेबल टैग, उसके अंदर मैं ले रही हूँ tr, tr के अंदर td, td के अंदर सेम डेटा मैं ले रही हूँ, यहाँ पर कलर्स स्लैश td, td रेड स्लैश td, tr को यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, अगेन एक tr ओपन करते हैं, td लिखते हैं, यहाँ पे ग्रीन स्लैश td और यहाँ पर स्लैश tr ओपन करते हैं। अब ये था, अब ये जो कोड हमने लिखा है ये सेम कोड मैंने रोज पैन में भी लिखा था, बट मुझे वहां पे रोज को मर्ज करना था। अब एज मुझे कॉलम्स को मर्ज करना है, तो मैं इस tr के अंदर इस कलर्स को रखती हूँ, और ये जो td है इसे मैं कट करके इसके अंदर पेस्ट करती हूँ। इसका यूज मैं आपको बताऊंगी अभी, इसे मैंने कंट्रोल एस किया है। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स रेड ग्रीन ऐसा आया है। ओह, हमने यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू टू। अब मुझे कॉलम्स को मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखती हूँ कोड में td कॉल स्पैन इक्वल्स टू टू, सेव किया, रन किया। विड्थ हाइट देखिए, विड्थ हाइट बढ़ाने के लिए सेम हम अपने विड्थ और हाइट को सेम में सेट कर रही हूं यहां पे, कंट्रोल एस करती हूं। यहां पे आप कलर भी दे सकते हो, जैसे हमने यहां पर दिया था बीजी कलर रेड, बीजी कलर ग्रीन। आप देख सकते हैं आउटपुट में चेंजेस। यहां पर सेम कोड को मैंने मर्ज किया है, आप आउटपुट में चेंजेस देख सकते हैं। यहां पर सेम कोड को मैंने लिखा है, इस कोड में मैंने रोज को मर्ज किया है, और यहां पर मैंने कॉलम्स को मर्ज किया है। तो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करना बताया है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।